आज का जो टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो आपने कॉलगेट देखा होगा, है ना? देखा आप लोगों ने यस कॉलगेट? हाँ, तो ये कॉलगेट की तरह नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है? एक खास बात है। तो ये प्रॉपर्टीज में क्या चीज है, तो इसके लिए हम देखो कौन सी चीज इसमें इंक्लूड होती है। तो द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स, ये किस चीज पर डिपेंड करेगी? अंदाजा लगा सकते हो आप कौन सी चीज है जिस पे ये डिपेंड करेगी? सर, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उतने ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी, ठीक है? जितने सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना ही क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, किस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी ये? सर, नेचर पर। हाँ, ये किस पर डिपेंड नहीं करेगी? नेचर पे। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर का मतलब कैसा है? ये है, ऐसी है जैसे इलेक्शन होते हैं। अब आप इलेक्शन में सपोज करो आपके क्लास में ही इलेक्शन हो गए मॉनिटर के, और आपकी क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है, ठीक है? ए और बी खड़े हो गए, तो इसमें से जो बी है और 10 टीचर्स हैं आपके पास स्कूल में, तो टीचर्स ने बी को वोट दिए 10 के 10, और यहाँ से 10 स्टूडेंट ने इसको वोट दिए, तो इसके हो गए 20 वोट, और बाकी के 40 वोट्स ए को आए। तो मॉनिटर कौन बनेगा क्लास का, ए या बी? सरे ए सरे ए। तो जबकि 10 टीचर ने, जितने टीचर थे उन्होंने बी को वोटिंग करी, लेकिन ए क्यों जीत गया? क्योंकि मेजॉरिटी। मेजोरिटी ए के पास है। तो ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो नेचर नहीं देखता कि यहाँ पे टीचर ने दिया या प्राइम मिनिस्टर ने दिया या सीएम ने दिया, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। वो देखता है नंबर कितने हैं, जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। तो ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि वो नंबर देखेगा, नेचर नहीं देखता वो, किसका नेचर कैसा है उससे उससे कोई मतलब नहीं है, उससे केवल किससे मतलब है, नंबर से। इसीलिए से हम कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमारी कंट्री कैसे है, डेमोक्रेटिक है, तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो ये डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज हो गई। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब आपको इसमें दो चीज का ध्यान रखना है, देर आर टू कंडीशंस। बता सकते हो कौन सी कंडीशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए? दो कंडीशन है जिसका ध्यान रखना है, उसी की वजह से ये इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो कौन सी चीज है ये, जो मैं जितने भी चीज बताऊंगा इसमें ये दो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए? नो आइडिया? सर, चलो वो मैं मीडियम बता, उसका होना चाहिए, नीचे वो मीडियम होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, आप क्लोज थे। देखो इसे कहेंगे हम पहली चीज कि जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए या नॉन आयनिक होना चाहिए, ठीक है? नॉन आयनिक होना चाहिए यानी आयनिक वाला नहीं होना चाहिए, अगर आयनिक वाला होगा तो ये इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होना चाहिए या नॉन आयनिक होना चाहिए, आयंस वाला नहीं होना चाहिए, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये मॉलिक्यूल है ये तो चल जाएगा, जैसे सुक्रोज C12H22O11 ये भी चल जाएगा,
कौन सा नहीं होना चाहिए, जैसे NaCl ये नहीं चलेगा क्योंकि ये आयंस में टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। कौन सा नहीं होना चाहिए, जैसे H2SO4 ये भी आयंस में टूट जाएगा H प्लस में और SO4 2 माइनस में, तो ये लोग नहीं चलेंगे यहाँ पर। जो आयंस में टूटेंगे यानी आयनिक कंपाउंड होंगे या इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड होंगे उनके लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर वो कंपाउंड दे दिए तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है जो मैं लास्ट में बताऊंगा वेंट ऑफ फैक्टर में, ये वेंट ऑफ फैक्टर में अप्लाई होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन समझ में आ गया कि जो सॉल्यूट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक या नॉन आयनिक या उसके आयंस नहीं होने चाहिए, वो मॉलिक्यूल फॉर्म में ही होना चाहिए बस, ये इसकी पहली कंडीशन है, क्लियर। यस सर। अब सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड है कि जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो डाइल्यूट होना चाहिए। वैसे फर्स्ट लॉ में ये काम नहीं करता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ में डाइल्यूट और कंसंट्रेशन दोनों के लिए होता है, लेकिन इन जनरल जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो शुड बी डाइल्यूटेड। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, जिसमें वाटर ज्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है, ठीक है, तो इस तरीके का सॉल्यूशन होना चाहिए, तो सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड और सॉल्यूट मस्ट बी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन आयनिक। क्लियर हो गया दोनों कंडीशन? यस सर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहले का हमने कल भी डिस्कशन किया था देखो, और अभी भी उसको मैं डेरिवेशन में आपको बता देता हूं। तो पहला है इसमें फर्स्ट पॉइंट इज, चार आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड आता है इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो जैसे आपने सॉल्वेंट लिया उसमें कोई सॉल्यूट मिलाओगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। और फोर्थ आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चार चीजें हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, पर देखो नाम से ही पता चल रहा है कि आपने पहले सॉल्वेंट लिया और इसको देखो वेपर प्रेशर के टर्म्स में, सॉल्वेंट लिया इसका वेपर प्रेशर आपने देखा कि ये वेपर प्रेशर 200 है, जैसे आप इसमें सॉल्यूट मिलाओगे और सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ये 200 है तो ये 150 हो गया, कम हो गया, इसका मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर कम होगा हर हमेशा ऑलवेज। सेकेंड देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अगर आपने यही सॉल्वेंट लिया और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर ले लिया आपने, जैसे आपने इसमें सॉल्यूट मिलाया इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और ये हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस जैसे ही सॉल्यूट मिलाएंगे, तो इसे कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हर हमेशा होगा ऑलवेज। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे आपने सॉल्वेंट वाटर लिया तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस, अब आप इसमें कुछ भी मिलाओगे सॉल्यूट कुछ भी मिला दो तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, इसका -2 डिग्री सेल्सियस या -3 -4, तो माइनस में चला गया यानी डिक्रीज हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर को तो मैं आगे बताऊंगा। तो ये तीन पॉइंट है जो ये वैसे समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ओके, अब देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को हमने कल पढ़ा था, देखो जो बॉइलिंग वेपर प्रेशर होता है डिक्रीज हो जाता है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट,
इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या था, पी एस माइनस पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बी फॉर सॉल्यूट, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला निकाला था। और पी नॉट क्या है, यहाँ पे पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर कितना है, पी एस का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, और एक्स बी है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये इसे और सिंप्लीफाई कर देता है, मेन यही फॉर्मूला यहाँ पे चलता है, लेकिन ये इसे और सिंप्लीफाई कर देगा, तो देखो कैसे होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे होगा एक्स बी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बी का मतलब एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ का सेम रहेगा। अब देखो अगर हमने डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए लिया है, ये ध्यान रखना, अगर डायल्यूट सॉल्यूशन है, डायल्यूट सॉल्यूशन केस फर्स्ट इसे कर लेना, डायल्यूट सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एन बी की वैल्यू बहुत कम होगी एन ए के कंपैरिजन में, तो हम यहाँ पे एन बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट करेंगे तो इसे हटा दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो आपके पास यहाँ पे होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, एन बी का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एन ए का मतलब वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, अब ये ऊपर चले जाएगा ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका फाइनल इक्वेशन जो आपको याद रखना है, देखो क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो क्वेश्चन में देगा नहीं आपको, वेट देगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए, अब ये वाला फॉर्मूला याद करना, क्योंकि आप इसको रखोगे फिर वैल्यू पुट करोगे फिर आंसर निकालोगे तो बहुत लेंथी हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला रखते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में वेट दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं होता है, अगर मोल फ्रैक्शन गिवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर वेट दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। क्लियर हुआ ये? यस सर। और श्वेता? यस सर। ओके, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, देखो अगर सपोज करो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो हमने क्या किया, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है, हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब क्या करेंगे, देखो इसमें क्या कर सकते हैं कि अब तो हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन, इनमें से एक को हटा दो, चलो मैंने क्या किया इसको हटा दिया, ठीक है, तो इसको मतलब सेपरेट कर दो, तो क्या होगा P नॉट अपॉन P नॉट माइनस क्या हो जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम इसमें? यस सर, कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आप इसे करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी,
ठीक है, तो इसको अगर हमने डिवाइड किया तो ये आपका वन आ गया यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, या एक काम कर सकते हैं, हम इसी को जो चेंज कर दे, ठीक है, एक बार इसको चेंज कर देते हैं, एक ही बात है, दोनों में से सर किसी को भी उसकी चेंज वैल्यू कर भी वन सकते हैं। आएगी। हाँ, उसकी वैल्यू भी वन आ जाएगी, दोनों से सेम आंसर आएंगे, लेकिन हम इसी को सेपरेट कर देते हैं। देखो एन बी प्लस एन ए हो गया, इसको सेपरेट कर दो, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए, ठीक है। अब इसको वन कर लो, ये हो गया वन, ठीक। अब क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था ना, इसलिए हमने सहूलियत के लिए से यहां कर दिया। अब इस वन को दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू वन प्लस आगे एन एनबी बी अपॉन एन ए, अपॉन ठीक है। अब इसको इधर से दूसरी साइड ले जाओ, क्या होगा, पी नॉट नॉट माइनस पी माइनस पी एस एस अपॉन पी नॉट माइ माइनस वन माइनस वन इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, ठीक है। अब क्या करो, एलसीएम ले लोगे तो ये यहां से यहां चला जाएगा, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, पी नॉट नॉट माइनस माइनस पी पी एस माइनस माइनस पी नॉट पीओ अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, ठीक है। अब क्या होगा, पी नॉट से पी नॉट कटेगा पी नॉट से पी पी नॉट कटेगा नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर माइनस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट पी नॉट पी नॉट। एक मिनट है, ये कहीं पे मिसिंग कर दे रहे हम लोग। अच्छा एक काम करते हैं, वैसे होना ही चाहिए था, एक मिनट है, इसको मैं रेसिप्रोकल करके करता हूँ, क्योंकि ये कटना नहीं चाहिए। ये था ना हमारे पास एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, पहले से रेसिप्रोकल कर दो, बस ये लास्ट है, बस होगा कुछ नहीं, आंसर सेम आना है, लेकिन उसमें लेंथी मेथड जा रहा है बस, क्योंकि मैथमेटिक्स हो तो कैसे भी करोगे आप लोग, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। रेसिप्रोकल इट कर दिया हमने, इन दोनों को अपोजिट कर दो, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। अच्छा हाँ, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे हम लोगों ने, क्या किया, इसको इसके बेस पे कर रहे थे, ये तो रेसिप्रोकल होके आएगा ना, यस ठीक है। सर हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ वो मिस्टेक हो रही, कहाँ पे हो रही हो। अब क्या करोगे, देखो ये रहने दो, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, अब इसे सेपरेट कर दो, एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी अपॉन एन बी, अब इसको कर दो वन। अब ये वन इधर से दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, कैसे भी करोगे आंसर सेम आएगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस वन इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। पहले यहां तक समझ में आया आपको, यस सर यस सर ठीक है। अब एक दो स्टेप और है बस, हमने कहा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन, क्या था ऊपर, एन ए अपॉन एन बी एनबीए यस सर है, एनए एक एनए अपॉन एनबी मिनट हाँ देख लेते हैं, एन ए ऊपर था ना, एन ए ऊपर यस सर था, ठीक है, तो एन ए ऊपर था तो हम क्या करेंगे, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, ठीक है, और ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, पी नॉट माइनस पी एस एलसीएम आ गया, ऊपर लिखोगे पी नॉट माइनस, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी नॉट माइनस पी एस से इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस और ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, फिर इसे रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल इट हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू
एन बी अपॉन एन ए, और अभी देखो हमने एन बी अपॉन एन ए को क्या कहा था, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। तो इसमें एक चेंज है बस, इसमें क्या है पी एस आ जाता है बस, उसमें पी नोट था नीचे, yes, sir. नीचे देखो इसमें पी नोट था, इसमें नीचे पी एस है बस, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम होता है। ये कंसंट्रेट के लिए, और वो डाइल्यूट के लिए था, बस फर्क यही होता। yes, sir. ठीक है, तो आपको मेन ये इक्वेशन याद करनी है, बाकी का कोई वो नहीं है, डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसमें सिर्फ क्या है आपको ये ध्यान रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या है कि दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर डाइल्यूट हुआ तो डाइल्यूट के लिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी, यानी किससे निकला था एन बी अपॉन एन ए से निकला था। और अगर कंसंट्रेटेड हुआ तो एक चेंज हो जाएगा बस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस हो जाएगा, पी एस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बाकी पूरा सेम होता है डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। ठीक है, और ये किसके इक्वल था एन बी अपॉन एन ए के। तो ये दो फॉर्मूले जो आपको याद रखने इसमें बस, इसी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे आपके पास, इसमें न्यूमेरिकल ही आएंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ ओके। अब देखो इसको हम रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला होता है ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये हो गया रिलेटिव यानी पी नॉट के रिस्पेक्ट में। अगर मैंने कहा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस, क्योंकि जो सॉल्वेंट है सपोज 100 mm प्रेशर है, और जब सॉल्यूशन होगा तो कम हो जाता है 80, तो कम कितना हुआ 100 माइनस 80 यानी 20 कम हो गया, तो लोअर कितना हुआ, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आएगा, तो इसका मतलब आपको निकालना है पी नॉट माइनस पी एस। अगर आएगा क्वेश्चन कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालो, तो आपको निकालना है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और बाकी मोलर मास निकालना होगा, तो उसके लिए जो मैंने अभी बताया फॉर्मूला आपको। ठीक है, yes, sir. तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको कि बताओ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैसे प्रूव करोगे? बताओ इसको हम कैसे शो करके बताएंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही है। बाय लोअरिंग क्या करके? बाय लोअरिंग वेपर प्रेशर। ओके, इसका आंसर मैं बता देता हूं। हाँ बताओ। सर जो देखो, चलो मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा ये जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये किसके इक्वल है? एक्स बी के। एक्स बी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, पर वन मोल ऑफ सॉल्यूशन, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए, जितने मोल्स ज्यादा होंगे, आपको पता है वन मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 × 10³। और यहाँ पे हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जो एक्स बी है मतलब मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन,
या पर वन मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल ही हो गए ना, या नंबर ऑफ मोल्स ही हो गए सॉल्यूट के, इसीलिए ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स बी पे। एक्स बी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के ज्यादा होंगे, उतना क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए क्या है ये, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना आपने कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब हुआ कि मोल्स या पार्टिकल एक ही बात होगा। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं, इसमें बस यही है, दो चीज याद रखनी, और एक ये दूसरा आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पहले क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बता सकते हो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? सर किस चीज का डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन? सर बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई पार्टिकल्स या फिर जो भी सॉल्यूशन होता है वेपर में चेंज होता है। हाँ ओके, और इसके अलावा श्वेता? चलो मैं बता देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। जब जो सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका जो वेपर प्रेशर है अगर वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो वो चीज बॉयल होने लगेगी, ठीक है। जो आपने क्लास 10th या 11th में पढ़ा होगा, अब वो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ नहीं चलती, यहाँ पे वेपर प्रेशर के टर्म्स में ही चलेगा सब कुछ। तो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो भी है बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? यस सर। तो अब देखो एक चीज और स्टेटमेंट आपको इसमें ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट है, अभी मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा हर हमेशा ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के। जैसे आपने वाटर लिया, आपको पता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, अब आपने इसमें एक मोल कुछ भी डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, अब जैसे आपने इसमें डाला तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ये तो क्या था, पहले बॉइलिंग पॉइंट था प्योर सॉल्वेंट का, ये था प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर। अब जैसे आपने इसमें सॉल्यूट मिलाया तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो गया, सपोज 105 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, तो हर हमेशा बढ़ेगा, एक मोल में 5 बढ़ रहा है तो 2 मोल में 10 हो जाएगा, 3 मोल डालोगे तो 15 हो जाएगा, 4 मोल डालोगे तो 20 हो जाएगा। जिस रेट से एक मोल से बढ़ेगा उसी रेट से इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? यस सर। अब देखो होता कैसे, क्यों है इसका रीजन क्या है, रीजन ये होता है कि जो सॉल्वेंट होता है प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर सपोज करो 100 mm है, मिलीमीटर, ओके। इसमें मैंने स्टेटमेंट ये कहा था, पहले बॉइलिंग पॉइंट की डिफाइन है कि द टेम्परेचर एट विच
the vapor pressure of solution become equal to atmospheric pressure is called its boiling point. Second point था कि जो boiling point होता है इसका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, boiling point solution का वो हर हमेशा ज्यादा होगा boiling point of pure solvent के. अब ऐसा क्यों है देखो, उसका रीजन बता रहा हूं मैं. जैसे प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर 100 mm है, ठीक है. अब आपने इसमें कुछ भी सॉल्यूट मिला दिया तो सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्यूशन बन जाएगा. अब सॉल्यूशन का आपको पता है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. अब ये वेपर प्रेशर डिक्रीज होके 80 mm हो गया. अब हाँ उसी टेम्परेचर पे देखो, सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि आपने टेम्परेचर सेम रखा है और तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा हर हमेशा सॉल्यूशन का. अब आपको देखो 80 से 100 mm में ले जाना है, क्योंकि मैंने कहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 mm के बराबर है, या इसको कर लो 1 atm. ये 1 atm था तो ये 1 atm से कम होके 0.8 atm में हो गया, ठीक है. और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब क्या करोगे, ये तो 8.8 atm रह गया ना, और मैंने कहा 1 atm होना चाहिए, यानी 1 atmospheric प्रेशर होना चाहिए तभी वो बॉयल होगा. लेकिन अब तो ये बॉयल होगा नहीं, क्योंकि 100 डिग्री पे क्या था, सॉल्वेंट टू 1 atm हो गया था, तो ये बॉयल होने लग गया. वाटर था, वाटर आपको पता है 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, तो उसका जो प्रेशर था 1 atm था. लेकिन जैसे मैंने क्या किया, सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिक्स किया, सॉल्यूशन बन गया, तो उसके वेपर प्रेशर अभी हमने बताया डिक्रीज हो जाते हैं. हर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होंगे, तो 0.8 atm हो गया. अब देखो इसको 0.8 से 1 atm आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मोर हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. अब आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो पहले 100 दिया था, अब आप 100 से बढ़ के दोगे तो 105 डिग्री सेल्सियस. अब ये हीट, ये क्या होगा, बॉयल होगा जब इसका वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए. और 1 atm कब होगा, जब आप इसको उससे ज्यादा हीट दोगे. इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हर हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट. ये समझ में आया कि नहीं आया, पूरा कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर पे बेस्ड है. क्लियर? यस सर. ओके, तो ये टाइम ऑफ हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे. यस सर.